भिलाई के बाबा फरीदनगर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के साथ सड़क नाली की समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने अजहर अली एडवोकेट समाज सेवी के नेतृत्व में निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं शामिल रही। भिलाई शहर के वार्ड बाबा फरीदनगर के मोहल्लेवासियों ने फरीदनगर में सड़क व नाली की समस्याओं को लेकर पीड़ा बताई। इस दौरान सभी अपनी समस्याओं से निगम आयुक्त को अवगत कराते हुए वार्ड के समाज सेवी अजहर अली एडवोकेट के नेतृत्व में भिलाई निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भिलाई निगम आयुक्त के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द वार्ड की समस्या दूर करने की अपील की। हम लोग यहाँ पर सड़क और नाली के लिए आयुक्त साहब से मिलने के लिए आए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहल्ले में सड़क खराब हो चुकी है, पानी निकासी की बड़ी समस्या है, जिससे कि मोहल्ले वासियों का निकलना मुश्किल हो चला है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। साथ ही सड़क एवं नाली की समस्याओं का निदान कर नई सड़क एवं नाली का निर्माण कराए जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से अब्दुल रब्बानी लतीफ भाई सहित महिलाएँ शामिल रही। आज बाबा फरीदनगर नगर निगम भिलाई के मोहल्लेवासी भिलाई नगर निगम के आयुक्त महोदय से मुलाकात के लिए भिलाई नगर निगम गए थे, जहां मोहल्लेवासियों द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का कि फरीदनगर भिलाई के सड़क और नाली खराब हैं और मोहल्लेवासियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना आना पड़ रहा है और कई बार यहाँ के स्थानीय नेताओं से संपर्क करने के बाद भी यहाँ का विकास नहीं किया जा रहा है और ना ही यहाँ पे सड़क और नाली निर्माण कराई जा रही है। यहाँ फरीदनगर की उपेक्षा की जा रही है, जिस बाबत मुलाकात करने के लिए आज भिलाई नगर निगम मोहल्लेवासी गए थे, जहाँ आयुक्त महोदय से मुलाकात नहीं तो उप आयुक्त महोदय को आयुक्त के नाम से लिखा गया आवेदन सौंपा गया और मांग की गई कि बहुत जल्द फरीदनगर की सड़क और नाली का निर्माण कराया जाए, जिसे सैकड़ों लोग फरीदनगर से भिलाई नगर निगम पहुँचे थे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।